इश्क किसी से होता नहीं, इश्क किसी किसी में होता है। बहुत सारे बदलावों के बाद भी ये भाव नहीं बदलता, बल्कि यही भाव हमारे अंदर और हमारे आसपास हो रहे बदलावों का साक्षी बनता है, और उनमें से ही कुछ बदलावों को देखकर सरप्राइज भी होता है। 14 से 25 साल उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहां ये भाव इश्क प्रोग्रेसिव होता जाता है, और कई तरह के उन्माद के साथ हमें संवेदनशील बनाता है, या यूं कहें कि मैच्योर बनाता है। इश्क यही एक ऐसा भाव है जो नाम और हमारी पहचान से परे होता है। ये जहां होता है, जिसमें होता है, तो बस होता है। ज्यों का त्यों, नेकेड, बेहद खूबसूरत, अजंता और खजुराहो की प्रतिमाओं जैसा, कामदेव की सम्मोहन शक्ति जैसा। शक्ति प्रखर, तेज, पवित्र प्रेम की देवी। सौंदर्य को सही मायने में समझने की दृष्टि इसी शक्ति से मिलती है, इसीलिए इश्क आसानी से सौंदर्य को किसी भी चेहरे में ढूंढ लेता है। गुलजार कहाँ से लाओगे, कुछ किरदारों के इश्क की कहानी है जो अपने नाम और पहचान से परे है। इसीलिए इस कहानी में सारे किरदार सिर्फ इंसान हैं जो अपनी खूबियों और खामियों के साथ इश्क के जरिए तलाश रहे हैं अपना अपना गुलजार।